हाय मेरे मीडिया मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का दिन सभी का शुभ हो। हम लोग आज जा रहे हैं रिश्तेदारी में, देखो आपको आगे ले चलते हैं हमारे रिश्तेदारों के घर। यहाँ मेरी लाइफ पार्टनर ने घर के दरवाजे में ताला लगा दिया और चेक भी कर लिया कि ठीक से लग गया है। और उसके बाद हमारी वाहन है BMW जिसमें हम जाने के लिए तैयार, मेरे लाइफ पार्टनर और मैं, फिर निकले हम अपने घर से जाते हुए जाएंगे हम लोग चकरपुर में पहुंचे। एक बच्ची के लिए गिफ्ट कपड़े खरीदे, देखते देखते काफी टाइम हो गया, वैसे भी काफी लेट गए थे। उसके बाद हमने इसको चूज कर लिया, एक ड्रेस चूज करने के बाद पैकिंग करवा दी। पैकिंग करवाने के साथ साथ बीवी ने चूड़ियां भी ले ली है अपने लिए। चूड़ी लेने के बाद जैसे हम लोग निकलते हैं सीधे, जाना तो जल्दी था फिर भी ट्रेन का आने की वजह से हमें वेट करना पड़ा। फिर पहुंचे हम अपनी नातनी के घर, वहां पर हमारी लड़की नन्ही सी, उसकी एक गुड़िया जो पैदा हुई है फ्लियो। फिर हम लोग वहां से आने के बाद और मेहमानों के घर जाने के लिए कुछ फल लिए। फल ले देखे तो काफी अच्छे फल थे, अपने आवश्यकता अनुसार अपने हमने फल लिया। फल लेने के बाद वहां से काफी से उस अनार सब हम पहुंचे अपनी बहन के घर, जहां पर चिंकी और मिंकी दो कुत्तों का जोड़ा था, बढ़िया सुंदर। उनको देखा, उनको देखने के बाद मेरी बहन ने उनके खाने का इंतजाम किया। उसके बाद हमको शरबत पिलाया। शरबत पिलाने के बाद हम वहां से निकले अपने ससुराल बिचई। जाने के बाद पता चला कि मुर्गी के बच्चे आए हैं और देखा कि 3 दिन के बच्चे थे, काफी अच्छी ब्रूडिंग। बच्चे एक दूसरे के ऊपर न चढ़ जाए इसलिए उनको हिलाया गया। फिर लौटते हमने देखा एक तंबाकू का पत्ता पेड़, तंबाकू का पेड़ जो नेचुरल तंबाकू लोग खाते हैं, उसका पेड़ देखने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग वहां से अपना वापस आने लगे। उसके बाद हमारे को टीका लगाने के बाद फिर वहां से निकले हम अपने दीदी के घर। वहां पर हमको मिली समाया, सबसे पहले समाया ने हमारा स्वागत किया। उसके बाद हम पहुंचे अपने दीदी से मिले, दीदी के बाद जीजा जी से मिले। जीजा जी समाया हमको देख के बहुत खुश थी। फिर हमको मिली दीदी की सास, हमारी सास माँ। हम लोग ने फिर वहां पर उनके सुंदर गार्डन का नजारा लिया। उसके बाद समाया हमको आने को रोक रही थी, फिर हम रुक नहीं पाए, मौसम भी खराब था। काफी अच्छा सुहाना मौसम और अच्छे अच्छे गमलों में फूल खिले हुए थे।